महादेव हैं। बड़े बनने के लिए केवल चिल्लाना जरूरी नहीं है कि मैं सबसे बड़ा हूं और मैं सबसे बड़ा हूं और मेरी आयु सबसे बड़ी है। आपको बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, आपको बड़ा होकर दिखाना पड़ेगा। घरों में जब हम रहते हैं तो जो बड़े हैं वो अपना सम्मान तो करवाना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं क्योंकि मेरी आयु बड़ी है, लेकिन बड़ा होने के लिए विष पीना पड़ता है। पहले सबको भोजन कराइए, फिर आप करिए। कभी कोई उत्सव का दिन हो, कोई होली हो, कोई दीपावली हो, सबके वस्त्र बने, बचे तो अपने बने। कोई मिठाई आ जाए घर में, कोई छोटा सा सुख आ जाए घर में, पहले सबको बटे फिर मैं लूंगा, और कोई कठिनाई आ गई तो मैं सबसे पहले मैं लूंगा। तब आप बड़े हैं, तब आप महादेव कहलाएंगे। यदि तो कृपणता आपसे नहीं छूटी, यदि तो चालाकी आप नहीं विसार पाए, यदि तो चतुराई आप नहीं छोड़ पाए, तो भैया फिर आप बड़े भी नहीं हैं। आप बहुत नीचे चले गए। आपसे अच्छा तो वो छोटा है, कम से कम वो अपने आप को छोटा तो कह रहा है। आप बड़ा जैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, आप में औदार्यता नहीं है, आप में श्रेष्ठता नहीं है, आपके हृदय में न जाने क्या क्या भरा पड़ा है, लेकिन आप अपने आप को बड़ा मनवाना चाह रहे हैं, तो फिर आप बड़े नहीं हैं। महादेव स्वयं चले आए कि इस विष को मुझे दे दीजिए, मैं इसका पान करूंगा। स्वयं विष पीने चले आए महादेव। भगवान ने विष ले लिया, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान को सहर्ष दे दी सबने कि ये आप ही लीजिए, आपको शोभा देगी। लक्ष्मी निकली मन में, धन भी तो यही है, हम में से जो भी अपने जीवन में असफल हुआ या कोई कार्य जो उसे करना चाहिए था वो कर नहीं पाया, उससे ज्यादा इस बात को कोई नहीं जानता कि सिर्फ वो और वही जिम्मेदार है। क्योंकि बचपन ने खूब कहा था कि बेटा ये दिन वापस नहीं आएंगे, तू अपने लक्ष्य की तरफ चल। और फिर जब युवा हुआ तो गुरु ने अनेक बार समझाया कि ये दिन कभी नहीं आएंगे, और फिर न जाने जीवन में किन किन ने उन्हें समझाया, पड़ोसियों ने समझाया, प्रकृति ने समझाया, कई बार तो शिक्षाएं मिली, कई बार ईश्वर ने संकेत भेजे कि तू अपना समय गवा रहा है, प्रमाद में नष्ट मत हो जाना। प्रमाद से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, उसने स्वयं ये नीति चुनी, उसने ये डगर स्वयं चुनी है। लक्ष्मी निकल के आई, सब दौड़े। लक्ष्मी जैसे ही बाहर आई, वैभव चारों तरफ पसर गया, ऐसा आनंद का वातावरण वहां हो गया, वायुमंडल में एक अजीब गरीब महक आ गई, वहां जो युद्ध की और छीना झपटी की बातें हो रही थी एकदम से तृप्तता की बातें होने लगी। सबको लगा कि लक्ष्मी हमारे पास आनी चाहिए। इंद्र ने कहा तुम मेरे पास आओ, मैं स्वर्ग का राजा हूं, अभी नहीं हूं तो हो जाऊंगा, पहले तो था ही। लक्ष्मी बोली तेरे पास मैं नहीं आऊंगी, तेरा अपनी इंद्रियों पर तो नियंत्रण नहीं है, तेरा अपना मन पर नियंत्रण नहीं है, मैं यदि तेरे पास आ गई तो कोई मुझे छीन के ले जाएगा, तू कहां मेरा पोषण कर पाएगा, तुझे तो अपनी घर तक बचाने में बड़ी कठिनाई हो रही है, तेरा कोई नियंत्रण नहीं है, मैं तेरे पास नहीं जाऊंगी। शिव ने कहा मेरे पास आओ, बोली कि नहीं, आप बहुत एकाकी हैं, आप तो वहां रहते हैं धुनी जला के, आप मेरा उपयोग नहीं कर पाएंगे, मैं आपके पास एक कोने में पड़ी रहूंगी, मेरा कोई सदुपयोग नहीं होगा आपके यहां, मैं किसी के काम नहीं आ पाऊंगी, एक बक्से में बंद पड़ी रहूंगी, क्योंकि आप तो साधु हैं, आप सन्यासी हैं, आप धन का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं कर पाओगे। शिव को भी नहीं मिली। ब्रह्मा आए,
बोले कि तुम मेरे पास आओ, बोले कि मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी, तुम आसक्त हो जाओगे, तुम्हें जो सृष्टि के निर्माण की जिम्मेदारी मिली है ये कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो शुरू से आसक्त होने का मन में भय लगा रहता है। जब तुम सृष्टि निर्माण के लिए भगवान ने तुम्हें संकेत किया तो तुम उल्टा बिहल हो उठे कि नाथ मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे आसक्ति हो गई तो आसक्ति का भय है, तेरे पास भी मैं नहीं आऊंगी। लेकिन वहां दूर विष्णु बैठे थे, विष्णु लक्ष्मी की तरफ नहीं देख रहे थे, विष्णु अपने चरणों की तरफ देख रहे थे। लक्ष्मी बोली मैं इनके पास जाऊंगी, ये मेरा प्रचार प्रचार कर पाएंगे, प्रसार कर पाएंगे, मुझे इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिन्हें आवश्यकता है उन्हें ये दे पाएंगे, ये दानियों के पास भेजेंगे मुझे, जो दान देके न जाने कितने बड़े बड़े कष्टों में जो लोग रह रहे हैं उनके कष्टों का निवारण करेंगे, वो दानदाता न जाने कितने अस्पताल बनाएंगे, कितने सत्संगों का आयोजन करेंगे, न जाने कितने भंडारे करेंगे, मैं विष्णु के पास जाऊंगी, ये मुझे योग्य के पास देंगे, ये मुझे धर्म में लगाएंगे। भगवान का वरण हुआ, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ चरण सेवा दे सकता हूं। लक्ष्मी जी को चरण सेवा मिली और लक्ष्मी प्रसन्न हुई। जिस तरह आप अपने से ज्यादा ज्ञानी के पास, आप अपने से ज्यादा योग्य व्यक्ति के साथ नीचे बैठने को तैयार हो जाते हैं, लक्ष्मी जी ने अपनी वैभव की उच्चता को भूलकर भगवान के चरणों में अपना स्थान ग्रहण किया। नारायण ने कहा मैं सृष्टि के कल्याण में तेरा उपयोग करूंगा, जहां धर्म से संबंधित कार्य होंगे वहां जो उपयोग कर पाएगा मैं उसे तुझे दूंगा। जब सीता जी वापस आई थी रावण के यहां से, रामचंद्र जी रावण का उद्धार करने के बाद सीता माता को अपने साथ जब लाए थे, तो वहां जिन्होंने युद्ध में भूमिका निभाई थी वो वानर विभीषण अंगद ये सब लोग वहां कई वर्षों तक रहे थे अयोध्या में भगवान राम की सन्निधि में। लेकिन जो राजा जनक है, जो सीता के पिता हैं, वो सिर्फ वहां 3 दिन के लिए आए, 3 दिन वहां रहे अयोध्या में, और 3 दिन जैसे ही पूरे हुए तो वो वापस चले गए। तो सबने कहा कि थोड़ा और रुक जाते, 14 साल से आपकी बेटी एक आतताई के यहां कष्ट में थी, थोड़ा और ठहर जाते तो ठीक रहते। तो बोले कि राजा को अपने राज्य को छोड़ के 3 दिन से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे कठिन समय में भी जिसकी बेटी 14 साल बाद भारी कष्ट पाके वापस आई है, लेकिन जनक ने अपना अनुशासन नहीं तोड़ा, अपना अनुशासन नहीं तोड़ा उसने। तो जो अनुशासित है, जो व्यवस्थित है, जो वचनबद्ध है, जो कही हुई बात का मान रखता है, जिसकी बात में सत्यता है, भैया लक्ष्मी वहां लुढ़की चली आती है।